मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। विधानसभा चुनाव नजदीक है और पुलिस की नजर चप्पे चप्पे पर बनी हुई है। पालघर पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। मानोर पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके पास से 3 AK-47 राइफल, 63 जिंदा कारतूस, 4 पिस्टल बरामद की है। साथ ही 13 करोड़ कीमत की ड्रग्स भी बरामद की है। बरामद की गई AK-47 असली नहीं बल्कि हथियार की देसी नकल है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक एक ढाबे पर ड्रग्स और हथियारों की डील होने वाली थी, मगर मनोर पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ लिया है। त्यानंतर त्यांनी सगळ्यांना सूचना दिली आणि ट्रॅप लावला, तो दोन लोक आम्हाला सापडले होते। त्यांच्याकडून आम्हाला 3 AK-4 पिस्टल, 63 राउंड्स आणि NDPS माल आहे, ज्यामध्ये एफेड्रिन आहे, DMT आहे, रोडोमॉर्फिन आहे आणि ब्राउन शुगर आहे, हे सापडलं। टोटल 13.60 crore जास्तचा माल आहे। आतापर्यंत 2 आरोपीला अटक केला आहे। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है कि इतना बड़ा हथियारों का जखीरा और ड्रग्स दो लोगों के अलावा और इसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।